अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल्स देनी थी। कुछ लोग ये पूछ रहे थे ग्राइंडर के लिए, ये जो कड़वी खल है ये आप लोग कैसे जो करते हैं ग्राइंड। ये छोटा सा ग्राइंडर है, ये 21 नंबर जो चक्कियाँ होती हैं ना आम रूटीन में, ये वो वाली 21 नंबर चक्की, ये थोड़ी सी पुरानी है तो ये नए जो नहीं है उनसे काफ़ी बेहतर है। इसको नीचे से हमने थोड़ा सा स्टैंड लगवा के ऊपर किया हुआ है, तो इसमें यह है कि ऊपर वाला जो छाबड़ा होता है ना इनका, उसको खोल के तो ऊपर से ये जो खाल है इसी तरह हम डालते हैं। तो वो छाबड़ा डालने से ये होता है, निकालने से ये होता है कि ऊपर वाली जो खाल है ना वो मतलब आसानी के साथ इसमें डाली जाती है। इसके सुराख होते हैं छोटे, अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह सुराख को खुला करवाएँगे तो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो छाबड़ा वगैरह, तो वो उतारने की ज़रूरत फिर बाद में नहीं पड़ेगी। तो वो उसको उतारने के बाद ये क्वालिटी खाल की है जनाब। ये हम इंशाल्लाह TMR जो जिन दोस्तों ने पूछा हुआ है हमसे, हम उनके लिए इंशाल्लाह ये जो TMR भेजनी है तो उसके लिए ये ग्राइंड कर रहे हैं। ये वैसे वीडियो तो परसों की है तो ये मैं आज इंशाल्लाह लगा रहा हूँ। ये सादा 2 की मोटर है, इस पर बताने का मकसद सिर्फ ग्राइंडर की, और इसकी स्पीड इतनी है कि 4 मान इसने 35-36 मिनट में बिल्कुल पाउडर कर दी है। ये मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी कंडीशन वो क्या है, ये हो जाने के बाद जो खाल हमने ये इसको ग्राइंड किया ना बिल्कुल पाउडर होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो पाउडर शक्ल में नहीं है, जो चने का छिलका है वो हमने बारीक नहीं किया उसी तरह ही है, और जो मकई है वो हमने ग्राइंड नहीं की वो उसी तरह ही है। तो एक ये सिर्फ जो खाल है ना इसको सिर्फ हमने जो है बारीक किया। ये आप देख सकते हैं ये बेहतरीन किस्म का चूरा इसने जनाब कर दिया है, बिल्कुल भी आटा नहीं है लेकिन बहुत बारीक किया, जिस तरह मतलब रिक्वायर्ड होता है जानवरों को वही हमने जनाब किया है। तो सादा सी 2 की मोटर पर जिस तरह एक वो पहले ग्राइंडर बनाया था वो भी था, ये 21 नंबर चक्की जो होती है ना वो है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से स्टैंड लगा के ना इसको ऊपर किया गया, तो सिर्फ वही 2 की मोटर पे ये जनाब ये आपके सामने है, सिर्फ 2 की मोटर पे ये चल रही है। चक्कर इसके कोई 4000 के करीब है, 4100-4200, क्योंकि इस पर इसे आप आटा भी बना सकते हैं चक्कर को। अगर इसके चक्कर जो है ना पुली जो मशीन के साथ है वो छोटी हो और इधर जो है वो 6 की हो और उधर 2 की हो तो ये फिर आपके चक्कर जो है ये काफ़ी बन जाते हैं, मतलब 4000 से ऊपर ऊपर बनते हैं। फिर ये आटा वगैरह बनाने के भी आसानी से काम आ सकती है। फिर वो जाली जो है नीचे आप लगाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इतने चक्करों पे भी आप देख लें कि ये 2 की मोटर जो है काम दे रही है, लेकिन ये ओरिजिनल मोटर है जापानी, ये अपनी जो पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं ना कि 2 की बता के 3 की बता के और वो 1.5 की कोई निकलती है कुछ, तो ये इसकी है क्वालिटी। तो इसने जनाब 35-36 मिनट में ना 4 मान इसने जो है वो क्रैश कर दिया। जज़ाकअल्लाह खैर।